सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स, आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत तत्वम असि तत्वम असि में। इधर भी मैं ही हूँ, उधर भी मैं ही हूँ। इस एकता की फ्रीक्वेंसी में जहां एकता है वहां पर प्रेम और करुणा। इस ट्रायंगल में आप सभी को हृदय से स्वागत। जो ट्रायंगल प्रेम करुणा को बेस बनाकर सभी को एक साथ जोड़ने वाला वो ही है दिव्य मातृत्व, दिव्य स्त्री तत्व। हर पल इस पूरा जगत में इस दिव्य स्त्री तत्व को बहने वाले पिरामिड मेडिटेशन चैनल में आप सभी को स्वागत सुस्वागत। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम तीसरी फोर्थ डायमेंशन, तीसरी चौथी डायमेंशन की फील्ड में खेल खेलते हुए पांचवी तल से लेकर ऊपर के डायमेंशंस की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब जो केल यानी जो डायमेंशन अभी सभी को समझना इजी नहीं है उसकी बारे में हम बात करते हुए समझ रहे हैं, इसलिए संभव हो रहे हम सब इस बात को जान लिया। ये हृदय स्थान पर बैठ के समझना इजी है। यस माय डियर गॉड्स, अब हृदय स्थान पर ही बैठे रहिए। आप सभी तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ ही जुड़े रहिएगा। सबटल लेयर्स के बारे में हम जानते हुए आ रहे, हम बहुत दिन से सात शरीर है हमारा, ये बात तो जान लिया। वो क्या क्या करते हैं थियोरेटिकली कोई कहने से सुन लिया, उसको समझना बाकी रह गया। और यदि समझ भी पा रहे तो वो कितना, और उस समझ को भी डेली लाइफ में आप कितना उतार पा रहे हो, क्या उस अवेयरनेस में है दोस्तों। यस, हर पल हर समय पर हर अनुभव में हम इन सूक्ष्म शरीरों को यूज कर रहे हैं, करने रहे वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसी की हिसाब से ही हमारा एग्जिस्टेंस हर एक की अस्तित्व बनी हुई है दोस्तों। बहुत सुंदर तरीके से आयोजन करके हर एक इंसान का फिजिकल बॉडी के साथ साथ एनर्जी बॉडी, उस एनर्जी चैनल जिसमें चक्रास को बिठाया, फिर इस एग्जिस्टेंस में सात शरीर, इसमें भावनामय और मानसिक शरीर। अब इनका काम क्या है, यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस बना के दिया उस एग्जिस्टेंस के अंदर हमारे परिशुद्ध चेतना को बिठाया, वो वैसे के वैसे ही सेफ रहे। और जितना भी कॉन्शियसनेसेस यानी चेतनाएं जिन खिलौना की बात कर रहे हम, उन चेतनाओं के असर हमारे भीतर ना आए, हर एक अनुभव को न्यूट्रली देखते हुए, उस न्यूट्रलिटी को एलो करते हुए, सारे इमोशंस थॉट्स बिलीव सिस्टम्स बिहेवियर्स इस ह्यूमन चैनल के द्वारा मूव कर सके आउट ऑफ बॉडी विदाउट रिमेनिंग, यानी वो आके यहाँ बैठे ना, फिर यह चैनल को वो डेंसिटी क्रिएट ना करें, यहाँ पर
उस चैनल में कोई रुकावट ना बने, आ जाए, अनुभव के बारे में इंफॉर्मेशन ज्ञान दे दो, चला जाए। भेजने की काम ये सबटल बॉडीज कर रहे हैं, ये इमोशन है, क्लियर कर दिया, ये बिलीव सिस्टम है, क्लियर कर दिया। इस तरह का है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल के बारे में आज इसमें बात करेंगे। यदि किसी क्रिस्टल से कैसा ये सबटल बॉडीज काम करते हैं, हम उसका एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एक लिविंग क्रिस्टल के साथ यदि ये ह्यूमन बॉडी इंटरैक्ट हो जाते, यदि कोई क्रिस्टल आपको मिल गया, वो क्रिस्टल आपने हाथ में लिया हो या सामने रखा हुआ, उसके साथ आप कनेक्ट हो रहा हो, तो देन वो इंटरैक्शन शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, क्रिस्टल कहाँ है? आपकी इस बॉडी की बाहर, आपकी अस्तित्व से बाहर, इसलिए उसको एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, बाहर की अनुभव बोला गया, राइट? बाहर जैसा उसके साथ इंटरैक्शन हो रहा है, तब वहां पर तरह तरह की कॉन्शियसनेसेस शुरुआत होंगे, शुरू होंगे। जैसा कैसा वो जो चेतनाएं, उस क्रिस्टल की जो चेतनाएं आकर यहाँ पर एंटर करना शुरू करेगी, टच करना शुरू करेगी, तो वो चेतना यहाँ डाइजेस्ट होना शुरू करेंगे। वो सब इंटरैक्शन से है, एक दूसरे से मिलने से। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो वो जो चेतनाएं इस चैनल में प्रवेश करेंगे, चैनल में प्रवेश करते ही क्या होगा, हमारे सबटल बॉडीज उसको फिल्टर करेंगे, इमोशंस को इमोशनल बॉडी फिल्टर करेगी, फिर हमारे मेंटल बॉडी उसकी बिलीव सिस्टम्स को, आइडियाज को, बिहेवियर को फिल्टर करेगी। तो अब ये हमारा इमोशनल बॉडी क्या करेगी, क्या बता देगी? देखिए, किसी भी क्रिस्टल को आपने देखा होगा, तुरंत वाव बोलते हो आप। आप कई बार शब्दों के द्वारा बोलते हो, क्योंकि फिलहाल हमारे में से कई लोग उसी सरफेस लेवल पे ही जी रहे हैं। उस वाव के पीछे आप क्या फील कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल का आप अवेयर रहने की प्रयास करिएगा। जब भी आप कोई भी चीज देखते हो, यदि उड़ता हुआ बटरफ्लाई, एक छोटा सा, एक साल का नुन्ना सा प्यारा सा बच्चा, वो सब, तो अभी वापस हम क्रिस्टल के पास आते ताकि इसको एक एग्जांपल को अच्छा से समझाएंगे, तो आप इसी को हर जगह पर अप्लाई करके फिर आप क्या इमोशन फील कर रहे उसको जान पाएंगे। सुबह से शाम तक हम इसी में ही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हम, क्योंकि उस लेवल की, उस गहराई की अवेयरनेस नहीं है। सच बताएं तो ये कोई गहराई है नहीं, सरफेस लेवल का ही दूसरी लेयर बोल सकते हैं, गहराई तो कुछ और है, वो तो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड तक है। लेकिन हम कौन सा इमोशन को फील कर रहे हैं, कम से कम उस लेवल तक उतरना, मिनिमम कॉमन सेंस, मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का। हम क्या करते हैं, वाव बोल दिया, चला गया, और मैक्सिमम हम ये कोशिश करते हैं, बस इनको ये बता दो, ये इनको बता दो, लेकिन यह हो क्या रहा है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा क्रिस्टल का आपका इंटरैक्शन हो गया, तुरंत आप चेक कर लो क्या फील कर रहे हो आप यहाँ पर,
इस फील्ड में क्या फील कर रहे हो आप, है ना? वो जॉय, एक अजीब सी जॉय फील होती है, एक पीस, शांति। तो थोड़ी देर वो क्रिस्टल को देखते ही आप आंख बंद करने लग जाते हो, एक शांति फील कर लेते हो, या ऐसा एकदम से प्यार शुरू हो जाती है अंदर से, प्यार की अनुभूति या एक्सपेंशन की। मैं फैलते जा रही हूँ, मैं एक्सपैंड होते जा रही हूँ, मैं बड़ी होते जा रही हूँ, ऐसा एक्सपेंशन का, विस्तार होने का एक फीलिंग आती है, या एकता की, वाह हम सब एक ही तो है। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट भावनाएं उत्पन्न होते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये सब हमारे इमोशनल बॉडी फिल्टर करके बता देती है। इस क्रिस्टल से इंटरैक्ट करने से आपको ये हो रहा है, जॉय हो रहा है, शांति फील कर रहे हो, तब आपको उस क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन, उस क्रिस्टल के बारे में ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। उस ज्ञान को लेना है, रिमेनिंग को छोड़ देना है, इसी काम के लिए ही वो इमोशनल बॉडी काम कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट, वो क्रिस्टल से इंटरैक्ट होने से एक और बॉडी साथ साथ काम कर रही है, कौन सा? मेंटल बॉडी, मानसिक, मनोमय शरीर। वो मेंटल बॉडी फिल्टर करेगी, जो चेतनाएं अंदर प्रवेश किया उनको फिल्टर करके वो बोलती है एक आइडियास, एक विश्वास व्यवस्था, जैसा हे ये क्रिस्टल आपको हील कर सकती है, ये क्रिस्टल आपको मदद करेगी, आपका इस क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन करने से आपकी बीमारियों की संबंधित ऊर्जा क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ये क्रिस्टल आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकती है, आपकी हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर सकती है ये क्रिस्टल। इस तरह की चीजें या आइडियाज, कुछ कुछ विश्वास व्यवस्थाओं को आपकी मेंटल बॉडी आप तक पहुंचा देती है। आप यानी हम सब आत्मा है, याद रखिएगा, उसकी संबंधित इंफॉर्मेशन हमें अपनी मेंटल बॉडी के द्वारा, आइडियाज, उसकी बिलीव सिस्टम्स हम तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। इस तरह की एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस को हम लोग समझ लेते हैं अपनी सबटल बॉडीज के द्वारा, उन चेतनाओं को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको फिल्टर कर उसकी संबंधित ज्ञान को हम ले लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की हर चीज को, अब हम क्रिस्टल के बारे में बात किए तो जहां पर वाव फीलिंग, जहां पर जॉय फीलिंग, उसकी ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इसको भी यहाँ बिठाना नहीं, इसको भी यहाँ बिठाना नहीं, हर चीज को फिल्टर करके छोड़ देना है। उस छोड़ने के लिए ही सबटल लेयर्स को रखा गया है, इंफॉर्मेशन दे दिया, फिल्टर कर दिया, खत्म। क्लियर? यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ये सारी चीजें हमें एक एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा संभव हो रहा है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पहले से सुनते आ रहे हैं। एनर्जेटिक फील्ड हर एक इंसान का, हर एक चेतना का, हर एक वस्तु का भी अपना अपना एनर्जी फील्ड होती है। माय डियर गॉड्स,
उस एनर्जी जैसा वस्तु है तो उसकी चारों ओर जो एनर्जी फील्ड हम जब अर्थ बनाया गया उस समय भी हम इसकी बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए थे। अब इस एनर्जेटिक फील्ड का थोड़ा सा गहराई में इसका बारे में बात करते हुए एक शांति एक सेफ जर्नी के लिए इस एनर्जेटिक फील्ड की जरूरत है। कहीं पर भी ये ह्यूमन ये बॉडी में बैठा हुआ चेतना कहीं पर भी जा रही है कुछ भी कर रही है तो वो फ्री फील करेगी सेफ फील करेगी एम्पावर्ड फील करेगी। ये सारे फीलिंग्स इस एनर्जेटिक फील्ड की वजह से ही संभव हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। उसी को एनर्जेटिक सिग्नेचर बोलते हैं। यस, ये ह्यूमन एनर्जेटिक सिग्नेचर क्या करती है तो हम सब क्या कर रहे हैं एवरी डे अलग अलग जगह पर जाते हैं अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ों से अलग अलग वस्तुओं को भी पकड़ लेते हैं इंटरैक्ट कर लेते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन सभी के साथ हो रहा है लेकिन वो निद्रा अवस्था में हो रहा है। उस निद्रा अवस्था से जागृत होकर यदि जागृत अवस्था में उसको समझ पाएंगे तो बहुत इस जर्नी का बहुत आनंद उठा पाएंगे दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, हर एक गिवन मूमेंट में हमारे इस एनर्जेटिक फील्ड में हम कौन सा फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखें उस फ्रीक्वेंसी का एनर्जी बाहर की ओर वाइब्रेट होती रहती है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक का जैसा ये मेरा एनर्जी है मेरे एग्जिस्टेंस अस्तित्व है इसकी जो एनर्जेटिक फील्ड है उसमें अपना फ्रीक्वेंसी है तो उसके अकॉर्डिंगली एक सिग्नेचर बनी हुई होती है। एक सिंबल समझ लीजिए उसको एक जियोमेट्रिकल शेप समझ लीजिएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे ये फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में इस जर्नी के अनुसार ये फिजिकल फॉर्म को हर चीज को फील करना समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इस फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में जिस मैदान में हम खेलने के लिए उतरे उसमें से कुछ चीजों को हम कुछ चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, यदि वहाँ पर आग लगी हुई हो यदि हमें उसके बारे में वो फीलिंग वो जानकारी नहीं होगा तो हम उस आग में हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो हमें पहले से ये पता है कि वहाँ पर रखने से ये हाथ जलेगा, ये इंफॉर्मेशन हमें अपनी मेंटल बॉडी दे दिया उसके बारे में हमें जानकारी ऑलरेडी है। यदि वो नहीं पता चलेगा तो नुकसान हो जाएगा है कि नहीं, तो इसलिए हर चीज़ की जानकारी और ये फील का भी नेविगेशन फिर उसके अनुसार हमें हाँ इधर आग है तो इधर मत जाओ इधर मुड़ के इधर से जाओ है ना। तो यदि पानी है तो कितना है ये सब सेफ हमें हम हर पल उसको यूज कर रहे हैं हम हर मोमेंट में यूज कर रहे हैं। हमारे भागदौड़ जिंदगी में इनके बिना हम नहीं जी रहे हैं। तब भी तो बार बार यही कहने की कोशिश करती हूँ कि आध्यात्मिकता और प्रापंचिकता अलग अलग नहीं है। जिस संसार में हम हर पल जिंदगी जी रहे हैं उसमें आध्यात्मिकता को अप्लाई कर रहे हैं आध्यात्मिकता के साथ ही जी रहे हम यानी आध्यात्मिकता ही है क्योंकि हम यानी आत्मा आत्मज्ञानी आध्यात्मिकता लेकिन उसके अवेयरनेस ना होने के वजह से हम संसार की
इस प्रापंचिक जीवन में खो गए, तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम वापस आकर फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जेटिक फील्ड के बारे में जानते हुए और उसमें तरह तरह की कॉन्शियसनेसेस का अनुभव करते हुए, इस वहां पर जो भी चीज है, जिससे भी हम इंटरैक्ट कर रहे सुबह से शाम तक, वो सब एनर्जी है। इस धरती पर किसी से भी मिल रहे हो, वो व्यक्ति है तो आप एक नाम जानते हो, उसकी बॉडी, उसकी शेप, उसकी कलर या उनका कोई गुण लक्षण, अच्छा बुरा कुछ। लेकिन बात ये है, सबसे पहले तो आप उनको एनर्जी के लेवल पर समझ लीजिए। आप भी एक एनर्जी है, वो भी एक एनर्जी, एट द सेम टाइम हर एक वस्तु, हर एक जानवर, हर एक जीव राशि, हर एक मानव, वो एनर्जी है दोस्तों। इस बात को जान के उसको फिक्स कर लीजिए अपने अंदर, ताकि आज के बाद किसी से भी आप मिलने जा रहे तो समझ लीजिए एक एनर्जी दूसरे एनर्जी से इंटरैक्ट हो रही है। अब इस पूरा दुनिया में तरह तरह की भाषाएं, इंडिया में अपनी भाषा और कंट्रीज में अपनी भाषा है कि नहीं। इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे, हम उस बात पे नहीं जा रहे हैं, हमें उधर जाने की जरूरत नहीं। अलग अलग कंट्रीज में अपनी अपनी भाषा जैसा है, अलग अलग जानवरों का भी अपनी भाषा है ना। लेकिन हमारे माइंड लेवल पर हम एक दो तीन भाषाओं को सीखते, समझते, यूज कर पाते हैं। लेकिन बियॉन्ड माइंड जाकर जब हम चेतना की स्थिति में रहते हैं, तब चेतना की स्थिति में रहते हुए एनर्जी को समझ लेते हैं, तो वो जानवर भी एनर्जी है, वो मुर्गा हो या बकरी हो, शेर हो या बिच्छू हो, इंसान हो, वस्तु हो, हर चीज को हम एनर्जी भाषा में समझ लेते हैं। एनर्जेटिकली हम उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। This is already happening. ये already हो रहा है दोस्तों। But बाकी क्या है? आप aware नहीं हो। Yes, my dear gods. कहने का मतलब पूरा दुनिया में भाषा सारे जातियों को अलग कर रही होगी, लेकिन ऐसा एक एनर्जी लैंग्वेज सारे जातियों को एक साथ जोड़ के रख लेती है, दैट इज एनर्जी लैंग्वेज। जब आप इस बात को जानेंगे, धीरे धीरे इसको जीवन में अप्लाई करना शुरू करेंगे, तब हर एक जीव राशि का, हर एक वस्तु का भी आप एनर्जी को पकड़ पाते हैं, उसकी वाइब्रेशन को कैच कर पाते हैं दोस्तों, उसको फील कर पाते हैं। तो अब हमारा जो ह्यूमन बॉडी में हम रहते हैं, तो दूसरा बाहर के एक्सटर्नल एनर्जीज को हम फील कर पाते हैं। वो फील करने के लिए हमें वो एनर्जेटिक फील्ड हमें मदद करती है दोस्तों, ताकि हम समझ पाए, समझ सके, है ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, तब हर इस समझदारी के साथ हर चीज की जानकारी लेते हुए, मैं इसमें एग्जाम्पल्स जैसा
आपने कई बार सुना होगा, ध्यान करने वाले व्यक्ति के पास सांप भी आ जाती है। जैसा जंगलों में जाकर, दूर दूर जाकर ध्यान करते, तपस्या करते, कई दिनों तक वो लोग उठते नहीं है, तो उनके ऊपर सांप भी आ जाते हैं, बिच्छू भी आ जाते हैं, शेर भी आती है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहती है। कारण क्या है? क्योंकि जो तपस्वी है, इनकी एनर्जी में फियर नहीं है, लोअर फ्रीक्वेंसी वाला फियर नहीं है, लोअर फ्रीक्वेंसी वाला दूसरे को नुकसान करने वाला एनर्जी यहां नहीं है। इसलिए यहां पर जो शांति को जानवर फील करती है, सेफ एंड सिक्योर फील करती है, वो भी इसलिए वो इधर अटैक नहीं करती है। बात समझा? कई बार हम अनजान रोड पर जा रहे होते हैं, उस गली की डॉग्स आ जाते, एकदम आपके ऊपर भौंकना शुरू कर देते। यदि आप शांत खड़े होकर आप शांत फील करोगे, तो वो भी आपकी शांति को सेंस करकर वो भी शांत होकर वापस जाएगी। लेकिन आप थ्रेट फील करते हो, आप डर जाते हो, डर के मारे कि इधर पत्थर उठा दूं, इधर डंडा उठा दूं, इसको दो लगा दूं, इतने में वो अटैक कर देती है। तो बात को यहां समझने की जरूरत कि आप जो करना चाह रहे हो वो ही वो रिसीव करके वो कर रही है। वो इंफॉर्मेशन वो कहां से ले रही है? आपकी एनर्जी फील्ड से वो डॉग ने ले लिया। आप पत्थर ढूंढ रही हो या ये ढूंढ रही हो या कुछ और नुकसान करने वाला, तो वो कर रही है। और आप डर के मारे भागने से भी, डर के वजह से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो उसको भी मौका मिल जाती है। पूरा दिन हम इसमें जी रहे हैं दोस्तों, सुबह से शाम तक इसी में जी रहे हैं। घर पे लड़ाइयां, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो कहीं सारे दोस्त हमसे पूछते रहते, हमारे घर पर दो बच्चे हैं, सुबह से शाम तक लड़ते रहते। मैं बोलती हूँ उनको साक्षी भाव से चुपचाप शांति से देखते रहो। ये मेरा जवाब दूसरे को मजाक लगता है, लेकिन इसकी गहराई को कितनी लोग समझ पा रहे हैं? जब वो माँ शांत होकर जब दोनों को देख पा रही होती, तो तब इनकी शांति की एनर्जी थोड़ी देर के बाद उनके अंदर भी प्रश्न जागृत करेगी। जब वो भी पैनिक हो जाएगी, पैनिक जब होती है तो इनकी इमोशनल बॉडी थ्रेट फील करती है। अरे आपकी दो बच्चे लड़ रहे, इनकी जीवन का क्या होगा, उनके फ्यूचर में ले जाके छोड़ देगी, इतना इनसिक्योरिटी फील करेगी। हार्मोनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब यहाँ पर इस माँ की ऊर्जा से वो उनकी लड़ाई और बढ़ जाती है। तो आप शांत हो जा, वो दोनों तक के वापस आपके पास ही आएंगे। नहीं तो दोनों अलग अलग जाने के बाद मुस्कुराते हुए आप ध्यान में बैठ जाओ। कुछ दिन करके तो देख लो आप, आपके घर में आप जिस स्थिति को मेंटेन कर रहे हो, वो स्थिति काम करेगी, वो एनर्जी काम करेगी। दोस्तों, इस एनर्जी को ना समझते हुए ऊपर ही ऊपर हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। थोड़ा सा कम से कम एक कदम तो अंदर गहराई में उतरो। ये तो बहुत गहराई का है, बहुत ही अंदर तक है इसकी गहराई। अंदर तक जाने के लिए पहले एक एक कदम उतरना तो शुरू करो दोस्तों। ये प्रयास से ही संभव होगा। हर चीज ऊर्जा ही है। पानी की ग्लास किसी ने पी लिया, रख लिया, उसकी एनर्जी बदल गई। तुरंत आपने उसको पकड़ लिया, आप जब जब आप उस ग्लास को पकड़ोगे, उससे पहले जो ग्लास पकड़ के पानी पी के जो रखा है,
उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो ग्लास दे देगी आपको। एवरीथिंग इज पॉसिबल जब आप एनर्जी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, उद्भिद यात्रा के अवसर पर कहीं बार बेड पर ना सोते हुए मैं एक आधा जगह पर मैट पर सो रही थी, तो दोस्तों को समझ में नहीं आया। सभी अपनी अपनी विश्वास व्यवस्था अपनी अपनी इमोशंस के अनुसार समझने की प्रयास किया। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी भाषा हमें एनर्जी फील्ड के द्वारा संभव होती है। हर चीज को नेविगेट करते हुए कौन सा एनर्जी में इंडल्ज होना है, किस में नहीं होना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, यदि वहाँ जाकर भी बदलने का चांसेस है, उतना एनर्जी आप रेडिएट कर पा रहे हो तो तब जाना है। जैसा लंका में जाकर सीता बैठकर वहाँ की पूरा एनर्जी को बदल दिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी फील्ड जो है हमारे अस्तित्व की एनर्जी फील्ड 18 इंच से लेकर 46 इंचेस तक और फिजिकल बॉडी की बाहर सर्कल में बनी हुई होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको एक तरह की बम्पर, हमारा फिजिकल बॉडी की बाहर एक बम्पर की तरह ये काम करती है। तो ये बाहर जब भी आप सुबह जब से उठे तब से कुछ भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ आप एंगेज है, बिजी है, तो ये एनर्जेटिक फील्ड, ये भौतिक शरीर की चारों ओर बनी हुई ये जो बम्पर, उस एनर्जीज के साथ कनेक्ट होती रहती है। तो वो जो एनर्जीज, वो जो बाहर की चेतनाएं इसमें जंप करते हैं, आपकी बम्पर में जंप करते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जैसा ये बम्प कर रहे हैं अपनी फिजिकल फॉर्म में, तो तुरंत सबसे पहले तो मेरा अपना एनर्जी फील्ड, आपकी अपना एनर्जी फील्ड, आप मेरे सामने आए तो आपकी एनर्जी फील्ड मेरा एनर्जी फील्ड पहले इंटरैक्ट कर चुकी होती है, आप नमस्ते या हाय हेलो आत्मवंदन कहने से ही। एनर्जेटिकली हम कनेक्ट हो गए होते हैं, उसके बाद वर्बल शब्द यूज करते हैं हम, उससे पहले हम ऑलरेडी कनेक्ट हो गए होते। तो अब मैं पॉइंट पर लेकर आती हूँ। हमारा फिजिकल बॉडी की चारों ओर जो बना हुआ एनर्जी फील्ड, जो बम्पर 18 इंच से लेकर 46 इंच का बम्पर फील्ड, वो दूसरे के साथ जैसा इंटरैक्ट करती है तो उधर बाहर की एनर्जीज इधर आ जाते, बाहर की चेतनाएं। यदि बाय चांस आप घर पर लड़ाई करके आ रहे हो, हस्बैंड के ऊपर या किसी के ऊपर एक गुस्सा कुंदक, उसके साथ आप आके मेरे से मिले, मेरा एनर्जी फील्ड आपकी एनर्जी फील्ड से इंटरैक्ट होते ही मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि आप लड़ाई करके आ रहे हो। आप मुंह पे मुस्कुराहट दिखा तो रहे हो, आत्मवंदन बोल रहे हो, अंदर मन कर रहे चार लगा दूं, ये जो एनर्जी अंदर चल रहा है किसी का, किसी से लड़ने से अंदर एनर्जी उत्पन्न हुआ है, वो एनर्जी पहले मुझे सेंस हो जाती है, तब समझ में आ जाती है चेहरे में कुछ और अंदर कुछ और, राइट? इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप घर पे लड़के आए वो बात अलग, और मेरे सामने आकर भी यदि मुझे
मुस्कुराते हुए बोल रही हो, लेकिन अंदर आपके अंदर मेरे प्रति कोई शंकाएं, मेरे काम के प्रति कोई जजमेंट, कोई कंप्लेंट है, तो वो भी पहले सेंस कर पाते हैं एनर्जी लैंग्वेज के द्वारा। सब कुछ क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह की सभी के बीच में लैंग्वेज चल रहे होते हैं। एक वस्तु, एक इंसानों के बीच में वस्तु से भी, जानवर से भी, कीटाणुओं से भी, पक्षी से भी, है ना। तो छत पर जैसा दाना डाल दिया, हम जैसा छत पर है, फिर भी कबूतर दाना खा रहे होते, खाना खा रहे होते। जैसा हमारे बाबू आ जाते, वो हमसे भी दूर होगा, वो भाग जाते। क्यों? वो एनर्जी सेंस कर लेते हैं, ये हमें भगा देगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्यों बार बार एग्जांपल्स दे रही हूँ? एवरी डे हम उसमें जी रहे होते हैं। कुछ बच्चे किसी के पास जाते हैं, किसी के पास नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत ही इजीली सेंस कर पाते हैं सामने का एनर्जीज को। वो जहाँ सेफ फील करते वहाँ जाके हग कर लेते। इस तरह के हमारा एनर्जी फील्ड हमारे लिए काम कर रही होती है। तो अब ऑलरेडी यहाँ उतना ही, हम सबकी एनर्जी फील्ड में बहुत एनर्जी उतरी हुई है। द ग्रेट आर्क्टूरियंस, प्लेडियंस, एंड्रोमेडियंस, सीरियंस, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की पूरा ग्रुप की एनर्जी इस सामूहिक में उतरी हुई है दोस्तों। सुखासन में बैठकर शांति से अपने अस्तित्व को ढीला छोड़कर पैर के तलवों से लेके सिर तक आप एक ऊर्जा हो। इस भौतिक पदार्थ को ढीला छोड़कर मैं एक ऊर्जा हूं। अपने आप को उस एनर्जी फील्ड में देखिएगा। शुद्ध चेतना शक्ति की स्थिति में पहचानिएगा। ऐसा जगह पर बैठिए जहां पर उठने की जरूरत ही ना पड़े। यस माय डियर गॉड्स, पैर की तलवों से लेके सिर तक अपनी भौतिक शरीर को शांत कर लीजिए। इस धरती पर हर एक फॉर्म की चारों ओर एनर्जी फील्ड बनी हुई है, आपका भी, मेरा भी, धरती का भी, सभी का। इस एनर्जी फील्ड के द्वारा ही हर एक इंसान एक दूसरे से, नॉन ह्यूमन, दूसरा जातियां, जंतु जाति, वृक्ष जाति, मिनरल किंगडम यानी क्रिस्टल्स, पत्थर, कीटाणु, हर एक जीव राशि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट रहते हैं। हम सबकी एक ही भाषा है, एनर्जी भाषा। ये भाषा चलती है हम सबकी उस एनर्जी फील्ड के द्वारा ही चलती है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, 5 मिनट हम एक प्रैक्टिकल काम करेंगे। होश में रहिएगा,
सुबह से आप किस किन किन इंसानों से इंटरेक्ट किया या किसी जानवर से इंटरेक्ट किया हो याद करिए। उनसे मिलने से पहले कैसे थे आप? पहले उसको याद करिए। किसी एक व्यक्ति से मिला, मिलने से पहले कुछ समय पहले कहाँ थे, कुछ पल पहले कहाँ थे और किस स्थिति में थे? आप तो बोलोगे मुझे क्या पता, क्योंकि बेहोशी में जिंदगी जी रहे हैं हम सब। होश में जिंदगी जीने का आदत डालना है दोस्तों। थोड़ी देर के बाद वो फैमिली मेंबर हो या बाहर के ऑफिस का हो या अपने बिजनेस का हो या दुकान का कोई भी या कोई भी जानवर हो, उनसे मिलते ही आपके फीलिंग्स कैसा रहा? ऐसा कहीं बार मेरा मेड दरवाजा खोलते ही जैसा वो सामने आते हैं, सबसे पहले कहीं बार मेरा प्रश्न होती है, प्रीति क्या हुआ तुम्हें? वो मेरा आंखों में ऐसा देखेगी, मैंने तो कुछ बोला तक भी नहीं अभी, ये कैसा प्रश्न कर रही है दीदी? तीन बार चार बार बोलेगी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर जैसा मैं हिंट देने लग जाती हूँ, जो गया वो गया, उस नुकसान के बारे में मत सोचो तुम, तब रोते हुए जो घटनाएं हुए कहीं बार वो ऐसा अनुभव हुआ था दोस्तों, कभी उसकी हस्बैंड के हाथ से मोबाइल छीन के कोई ले गया, उस दुख के साथ वो घर आती थी कुछ भी ना बोलते हुए, उसके एनर्जेटिक फील्ड में से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता था, उसके अनुसार फिर मैं उसको मदद करती थी जितना मेरे से संभव। कहीं बार बच्चे की चिंता को लेकर आती है, पढ़ाई को लेकर या हेल्थ को लेकर, उस इंटरेक्शन से ही शब्द के बिना ही हमें पता चल जाते हैं दोस्तों। आपको भी कहीं बार ऐसा सेंस होता होगा, उसको याद करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा एनर्जेटिक फील्ड काम कैसा करती है, वो किस लिए है हमारे अस्तित्व में, उसका काम क्या है, ताकि हम समझ सके बियॉन्ड ये हिंदी इंग्लिश तेलुगु ये सारे भाषाओं की बियॉन्ड भी हम सबकी एक भाषा चल रही है दोस्तों। कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ पता चल जाता है, वो हमारे एनर्जेटिक फील्ड से हो रहा होता। अब आप अपनी एनर्जेटिक फील्ड के पास वापस आ जाइए। अभी तक इस एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा दुनियादारी को समझने की प्रयास किया, एक आधा एग्जाम्पल्स जो घटनाएं ऑलरेडी आपके जीवन में घट चुके हैं वो आपको याद आया होगा। आज के बाद और क्लैरिटी मिलेगा। अब आप अपनी भौतिक शरीर को शांत कर चुके हैं ऑलरेडी। आपकी भौतिक शरीर की चारों ओर गोलाकार में
ऊर्जा की सर्कल को फील करिएगा। अपने आप को बोल दीजिए, मैं अपनी ऊर्जा क्षेत्र को, एनर्जेटिक फील्ड को देख रही हूं। और शांत हो जाइए। अब आप बोलिए, हे पूर्णात्मा, माय डियर मास्टर्स, मेरा एनर्जेटिक फील्ड में क्या क्या है समझने के लिए मुझे मदद करिएगा। बिना जजमेंट्स के, बिना कंप्लेंट्स के, न्यूट्रल रहते हुए मैं अपनी एनर्जी फील्ड को पढ़ना चाहता हूँ, चाहते हूँ। वहां स्थित हर चीज को जानना चाहता हूँ। सेल्फ पिटीनेस, उदासीपन, आपकी एनर्जी फील्ड में, या बटरफ्लाइज यानी जॉय, क्या क्या दिख रहा है? गिव अप, निराशा, किसी को विश्वास करने से, ट्रस्ट करने से पहले डर या निर्भयता, निर्धार, ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें हैं आपकी एनर्जी फील्ड में। अवेयर रहिएगा दोस्तों, कब तक ये निद्रा अवस्था है? बहुत हो गया, उठ जाओ। अब ये जन्म भी फिर चला जाएगा, जागृत अवस्था में रहते हुए अपनी एनर्जी फील्ड को समझ लीजिएगा। इवन आप नेक्स्ट लेवल का भी होमवर्क कर सकते हो, ये आया कहां से। यदि आप अपने आप को और सेंटर कर पाएंगे, अपने अस्तित्व में मूल बिंदु पर अपने आप को शांति से बिठा पाएंगे, और रिलैक्स करेंगे, तो नेक्स्ट लेवल का भी संभव हो जाएगा। और शांत हो जाइए। ये कहां से आए मेरे पास?
और शांति, बैलेंस, जैसा पेंडुलम स्थिर हो गई, ना लेफ्ट को झुक रहा है ना राइट को झुक रहा है, एकदम पेंडुलम बीच में बैलेंस कर रही है। अब आप पूछ रहे हो, जिस ऊर्जा को देख रहे हो, जिन पैटर्न्स को देख रहे हो, एक को देखते हुए पूछिए पहले, ये कहां से आया? यदि उदासीपन, इनसिक्योरिटी या डर, ये कहां से आया, एक एक से पूछिए। आपको वो जगह, वो समय, वो ग्रुप, वो व्यक्ति, उनकी बातें, उस समय पर आपने जो लिया, सब कुछ दिख जाएगा। सरेंडर, हृदय स्थान पर आत्म स्थिति में सरेंडर। किसी और की एनर्जी फील्ड से आपने ले लिया, किसी और की बातों को पूर्ण रूप से ना समझते हुए वो शब्द आपके एनर्जी फील्ड तक पहुंचते ही आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मानसिक शरीर अपनी अनुसार उनको तोड़कर आपको उस तरह की इंफॉर्मेशन दिया हो, वो जो बंदा बोला था वो हाई फ्रीक्वेंसी में बोला हो, लेकिन आपने उसको लो फ्रीक्वेंसी में रहते हुए लिया हो, कुछ भी फील कर रहे हो आपकी एनर्जी फील्ड में, जितना शांत रहेंगे वो कहां से आया, कब सुने थे आप, कल, एक साल पहले या 10 साल पहले, या जब आप 2 साल की बच्ची थी, या आप मां के गर्भ में थे, या आप अपने पिछले जन्मों से लेकर आ रहे हो, चेक कर लो दोस्तों। सब कुछ संभव है, भरोसा रखो। अब आप अपने आप को बोल दीजिएगा, मेरा एनर्जेटिक फील्ड में
ऊर्जा क्षेत्र में जितना भी ऊर्जा पैटर्न्स बैठे हुए हैं, जहां से भी आए वहां वापस चले जाए, लेकिन जाने से पहले प्रकाश बनकर वापस जाए। प्रेम करुणा एकता की ऊर्जा की ट्रायंगल की पिरामिड को अपने ऊपर बिठाकर अपनी स्थिति को बदलकर प्रेम से करुणा से एकता से भरी हुई प्रकाश बनकर जहां से भी ये मेरा अस्तित्व में आया उनके पास वापस चले जा। वो कोई भी एनर्जी हो, उदासीपन हो, उसको भी वैसा ही बदल लो दोस्तों। गुस्सा हो, कुंदक हो, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, होपलेसनेस, वो सारे एनर्जी पैटर्न्स आपके अस्तित्व में से बटरफ्लाइज की तरह प्रकाश से भरपूर उसके चारों ट्रायंगल पिरामिड, वो पिरामिड एकता की एक कोना, प्रेम की एक कोना, तीसरा करुणा की एक कोना, इस ट्रायंगल में वो एनर्जी फील्ड की एनर्जी पैटर्न्स प्रकाशवान होकर वापस उन्हीं के पास जा रहे हैं। अब आप बोलिए, मेरा अस्तित्व के अंदर मेरा इस एनर्जी फील्ड में बैठा हुआ अपनी एनर्जी एकता प्रेम करुणा से ही भर जाओ। एकता प्रेम करुणा से ही भर जाओ। अपने चारों ओर की एनर्जी फील्ड को फील करिए, एकता की सुंदर सा ऊर्जा।
आपके पूरा शक्ति क्षेत्र में शांति, स्थिरता, भरोसा, सोल फीलिंग्स, सुरक्षा भाव, हार्मोनी, अवेयरनेस के साथ आपकी इंटरेक्शन और जातियों के साथ हो रहा है, सर्वप्रथम मानव जाति जब भी कोई भी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इन्हीं सोल फीलिंग्स को ही वो अनुभव करेंगे। आपकी आत्मस्थिति के असर दूसरे के ऊपर आकर वो भी ध्यानी और शाकाहारी बनेंगे। उसके अनुसार आपकी एनर्जी फील्ड सुरक्षित हो गई है। चारों सुरक्षा कवच के द्वारा लॉक किया गया है। सुरक्षा कवच और लॉकिंग सिस्टम एनर्जी फील्ड को एक्सपैंड होने देगी, चेतना को विस्तार होने देगी, लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को अंदर आने नहीं देगी, नुकसान करने वाला किसी भी एनर्जी को अंदर एंटर करने नहीं देगी। उसके अनुसार आपकी एनर्जी फील्ड की शक्ति क्षेत्र की चारों ओर वायलेट बैंगनी कलर की वायलेट लाइट के वृत्ताकार सर्कल प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है। देखिएगा उसको, आप इमेजिन करिएगा, कल्पना करिएगा।
किसी भी मानव से मिल रहे हो। आपके एनर्जेटिक इंटरैक्शन के असर उसकी भला के लिए मदद करेगी। किसी भी जाति से मिल रहे हो, किसी भी जानवर, पेड़ पौधे, पत्थर, कीड़े मकोड़े, आपके द्वारा प्रेम, करुणा, एकता, सिक्योरिटी को, शांति, स्थिरता को वो ले रहे हैं। वो भी शांत और स्थिर फील कर रहे हैं। इस धरती पर इस वक्त शरीर छोड़कर भी अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक जो भी नहीं जा पाए, उनके ऊपर भी उनकी परमिशन से, उन्हीं के पूर्णात्मा के द्वारा बना हुआ ट्रायंगल पिरामिड उनके ऊपर आ जाए। प्रेम, करुणा, शांति उन सभी के अंदर भर जाए। प्रेम, करुणा, शांति। अब आप अपने अस्तित्व को सोल फीलिंग्स के साथ भर दिए हैं। कहीं पर भी जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, किसी भी जाति से इंटरैक्ट होंगे, आपके शक्ति क्षेत्र में से सुरक्षा फील करने वाले सोल फीलिंग्स उन तक जाकर उनकी एवोल्यूशन में मदद करेंगे।
आखिरी 5 मिनट3 मिनट यदि आपको आराम करना है, आराम करिए उसी जगह पर। ध्यान कंटिन्यू करना है उसी जगह पर, ध्यान कंटिन्यू करते रहिएगा। इस प्रोसेस को दिन में दोबारा कर सकते हैं आप, जब चाहिए तब रिपीट कर सकते हैं आप। जिनको बाहर आना ही है उनके लिए आखिरी 2 मिनट एडवाइस यही है, इस एनर्जेटिक फील्ड से बाहर मत आओ अभी।
लास्ट वन मिनट, जिनको बाहर आना है वो अपने सिर से लेके पैर के तलवों तक अपने भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। आप भौतिक शरीर में रहते हुए भी एनर्जी फील्ड के द्वारा ही हर पल को ऑपरेट कर रहे हो। सबटल बॉडीज उनको फिल्टर कर रहे हैं बाहर से अंदर आने वाली चेतनाओं को। जिस लेवल तक आप इस ज्ञान को जीवन में उतार सकते हो, उतारते हुए आगे बढ़िए। आखिरी 30 सेकंड अपने भौतिक शरीर को, यदि बाहर आना ही है तो भौतिक शरीर को पहचानना जरूरी है। आधा अधूरा बाहर आओगे तो इम्बैलेंस रहोगे, बाहर आने के बाद भी बोलना नहीं। सोने से पहले इधर उधर टीवी सीरियल्स देखना नहीं, किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं, इसी एनर्जी में सो जाइए। बाद में भी धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर चेहरे के ऊपर रख लीजिएगा। 5 4 3 2 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए दोस्तों। शांति शांति शांति, कितना शांति की स्थापना हुई है उसको फील करिए, उसी में बने रहिएगा, सब कुछ संभव। हम सब मिलके हर चीज को संभव करते हुए, अनुभव करते हुए, अनुभूति करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम सबको मिलाने वाले पिरामिड मेडिटेशन चैनल को कोटि कोटि नमन करते हुए पिता महाब्रह्मर्षि पत्री जी को साष्टांग प्रणाम। आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लव यू ऑल। बदले जी।